जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज़ बताएंगे। बच्चे आज हम आप लोग को ये चीज़ बताने वाले हैं जो बहुत कम लोग आपको बताने वाले हैं, सच्चाई बताते हैं कि एक एज ए स्टूडेंट किस तरीका से अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने आप को किस लेवल तक पहुँचाएँ। बहुत सारे बच्चों का बैक टू बैक मैसेजेस आता है, सर कौन सा बुक बढ़िया रहेगा, कौन सा क्या चीज़ से पढ़े, सर क्या चीज़ बेहतरीन हो सकता है। बच्चे टीचर्स आपका सिलेक्शन दिला सकता है, आपको टीचर सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि वो सारी रास्ता है टीचर देखी रहती है, वो सारी चीज़ें वो की रहती है कि टीचर्स को सिलेक्शन, एक बच्चा को सिलेक्शन देने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्हें देखी रहती है। सारे एग्जैक्ट जो चीज़ें नॉलेज की चाहिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, किसी सब्जेक्ट में ऊपर तीन को नॉलेज है, ये चीज़ इन्हें देने से बच्चा का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन सच बात ये है कि टीचर्स जो है ना, आपका मार्क्स नहीं दिलवा सकता कि आप 80 नंबर ले आए, 90 नंबर ले आए या 100 में 100 ले आए। मार्क्स लाने का खुद पे, बच्चा पे डिपेंड करता है कि बच्चा अपने आप पे कितना मेहनत किया है, इस बच्चा को कितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस किया हुआ, ये सारी चीज़ें। आप अच्छे मार्क्स तब ला सकते हैं जब टीचर आपको जो बोले और वो आप कर लिए, जो जो आपको टीचर्स कहता है और वो आप कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर, आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके अंदर जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस को करते हैं, वो आपके अंदर की गई मेहनत बोलती है कि आपने कितना मेहनत किया था इस चीज़ को लेकर। बैक टू बैक मैसेजेज आते हैं बच्चों का, सर ये बुक अच्छा रहेगा क्या, वो बुक। बच्चे मेरे दोस्त, बुक से कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से बुक से पढ़ रहे हैं। मैं बैक टू बैक हर मैसेजेज में आप लोग को बताता जा रहा हूँ कि यार कोई बुक डिपेंड नहीं करता है। आज ऐसे हम लोग अगर 2-3 रिजल्ट निकाल के रखे हुए हैं और ऐसे अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो भैया हम लोग भी एक अपनी एक एक्सपीरियंस है जो लोगों को शेयर करते हैं कि यार ये चीज़ करने से, देखिए भेड़िया चाल से चलोगे ना, भेड़िया की चाल से चलोगे ना, तो भेड़िया की चाल आपको पता होगा कि कहाँ तक चल जाती है। ठीक है, आपको माइंड सतर्क, आपको देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं बोलते हैं भैया 7 घंटा पढ़ता था, 8 घंटा पढ़ता था। मेरे दोस्त, एसएससी जीडी के लिए 8 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 4 घंटा अपने आप को एक बेहतरीन तरीका से दीजिए, ये 4 घंटा इतना बेहतरीन से दीजिए जो आपके लिए सिलेक्शन दिला सकता है, आपको सिलेक्शन दिला सकता है। मेरे दोस्त, एसएससी जीडी का सिलेबस इतना छोटा है, इतना ईजी है कि अगर आप 4 घंटा भी अपने आप को देते हैं, मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बैक टू बैक, अब मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या है। बच्चे बार बार दूसरे जगह डाइवर्ट क्यों होते हैं, यहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। यदि किन्हीं एक को अगर फॉलो कर रखे हो, सिर्फ एक को फॉलो करिए, ये ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ भी चले गए, इसका भी ट्रिक देख लिए, इसका भी सोल्यूशन देखे। इस तरीके से क्या होता है, हमारा माइंड ऑब्जर्व या कोई चीज़ को तुरंत कैच नहीं कर सकता, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हो। आप किसी पानी में अगर एक कलर मिलाओगे तो वो अपना एक ही कलर दिखाएगा, इसमें बहुत सारे कलर मिलाओगे तो मिक्स कलर हो जाएगा, जो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको इसमें पहचानने के लिए कि कौन सा कलर है। आपको एक टीचर को फॉलो करना होगा, ये टीचर आपका सिलेक्शन दिला सकता है लेकिन आपका रैंक नहीं दिला सकता कि भैया टॉप 100 में आ गए, टॉप 800 में आ गए। आपको रैंक आपके बच्चा खुद आपको देना पड़ेगा, आपके मेहनत बोलती है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको रैंक उतना ही बेहतर मिलेगा। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, मैं पहले भी और बार बार बोलता आ रहा हूं कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम, किसी भी चीज का एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर को पकड़िए, मैं गारंटी दिलाता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, और एसएससी जीडी मैं बैक टू बैक 90 से अबव मार्क्स लाने के लिए मैं एबिलिटीज में बार बार लाया हूं, करीबन 2 से 3 बार लगातार मेरे दोस्त। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भैया 90 से अबव लाया जा सकता है अगर बच्चा थोड़ा भी मेहनत कर दे तो। और मेहनत किस तरीका से करना है तो मैं बताता हूं, एसएससी के नियम है, एसएससी का नियम है कि प्रीवियस ईयर, जिन ही बच्चों का प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं भैया कि इसके फाइनल एग्जाम में 80 से ऊपर आएगा, कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चा पढ़ता है भैया, वहां पढ़ता है, यहां पढ़ता है, यहां पढ़ता है, मेरे दोस्त कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप किस चीज पर कितना मेहनत किए हो। मेहनत करना नहीं है भैया, किसी भी चीज़ को देखते हो स्किप करके चल जाते हो। नॉलेज लेना नहीं है, नॉलेज लोगे नहीं मेरे दोस्त, और बोलोगे मेरा रिजल्ट कैसे होगा, रिजल्ट नहीं होगा मेरे दोस्त। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेहनत आपकी बोलती है।
आप जब उस लाइक मेहनत करोगे ना, जब उस लाइक आपके अंदर डिजर्व हो जाएगा कि भैया मैं 80 मार्क्स लाने के डिजर्व हूँ, 80 मार्क्स ला सकता हूँ, तो आपने मेहनत किया होगा। और ये मेहनत अपने अंदर झांक के देखिए कि इतना मेहनत मैं किया हूँ इस चीज़ को लेकर। तो बैक टू बैक किसी एक टीचर्स को पकड़िए और ये टीचर्स की हर एक बात को फॉलो करिए कि वो क्या पढ़ा रहा। हाँ, याद रहे वो टीचर्स को फॉलो करने वाले इसे होना चाहिए जो हाई लेवल की रैंक उपाधि कर रखा हो, या तो इन्होंने टीचर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि करा रखा हो। ऐसे टीचरों के पास मत पढ़ लेना मेरे दोस्त कि एक एज ए कॉन्स्टेबल है और आपको पढ़ा रहा है, एज ए नॉकलिस्टेड है आपको पढ़ा रहा है। मेरे दोस्त, कॉन्स्टेबल SSC GD की एग्जाम्स निकालना बहुत ही ईजी है। मेरे गांव में चल्लू और पचल्लू भी जाके कॉन्स्टेबल GD की अभी भर्ती ले रखे हुए हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 की पहले वैकेंसीज की अगर हम रिजल्ट देखें तो मेरे दोस्त झारखंड की रिजल्ट बता रहा हूँ, 48 और 50 मार्क्स में रिजल्ट हुआ है। जो बच्चा 48 और 50 मार्क्स ला कर रिजल्ट लिया हुआ है आपको वो पढ़ाने आएगा, मेरे दोस्त आप खुद सोच सकते हो कि आपके अंदर ये कितना आपके अंदर दे सकता है और आप इसके अंदर से कितना ले सकते हो। डिपेंड ये चीज़ का करता है मेरे दोस्त कि आप जो टीचर्स को फॉलो किए हो वो टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ है और ये टीचर आपको कितना देना चाह रहा है। तैयारी अपने तरीके से करिए और तैयारी कितना करना है एज ए टीचर के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त 4 घंटा टाइम देना है और ये 4 घंटा आपको किस तरीके से देना है ये आप अपने अंदर सतर्कता देखिए कि आपको कितना मेहनत करना है। 4 घंटा फॉलो करिए, 4 घंटा एक का सब्जेक्ट को दीजिए 1 घंटा और मेहनत करिए जोरदार। ये जो 1 घंटा देते हैं वो इसके लिए प्रॉपर 1 घंटा होना चाहिए, मतलब दिल से होना चाहिए मेरे दोस्त। अभी आप अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगाते समय अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में कम आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करिए, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करिए, बेहतरीन यही पे है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपको कोई रिजल्ट नहीं दे सकता, कोई रिजल्ट नहीं दिला सकता। ये मत सोचिएगा कि भैया मैं बहुत बड़े अकेडमी में पढ़ रहा हूं तो मेरी रिजल्ट हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देखा हूं कि घर में रहकर भी पढ़ने वाला किसी भी टीचर्स को फॉलो ना करने वाला बंदा आज 10-10 ऐसे बच्चे एग्जांपल हैं, मैं लाऊंगा लाइव। घर में पढ़ने वाले बच्चे किसी कोई भी टीचर्स की सहारा नहीं लिया और इन्होंने सभी बच्चे ने इस बार अभी सिलेक्शन लिया, CISF भी समय हो गया उन लोगों का। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक बच्चा मेहनत करके इतना दूर गया है, भैया आपका टीचर्स मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आप कितना मेहनत किए हो। बस मैं इतना ही बताऊंगा, बोलना भी चाहूँगा, अगर आपके माइंड में समझ आ गया होगा तो करें मेहनत, नहीं करना है मेरे दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। आप जब रिजल्ट नहीं होगा तो आपके माँ बाप भी घर से आपको भगा दिया जाएगा। भगाएंगे इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त कोई भी इंसान को पालता उतना ही तक है जितना तक वो, क्योंकि खेत किसान खेत में तब तक उर्वरक डालता है जब तक वो हरा भरा रहता है। वो अगर हरा भरा नहीं देखेगा भैया उर्वरक डालना छोड़ देगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखें आप भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।